हेलो स्टूडेंट्स, मैं कादंबरी ट्यूटोरियल्स आप सभी लोगों का स्वागत करता है। मैं हूं अनंत सर, आपके लिए लेके आया हूं स्पीड मैथ कैलकुलेशन का ये वीडियो जो कवर करेगा टू डिजिट नंबर्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक टू। तो देखो, ये ट्रिक हमें तभी फुलफिल होगी जब टू कंडीशंस गिवन क्वेश्चन में टू कंडीशंस फुलफिल होगी। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, 10th प्लेस मस्ट सेम। ठीक है, तो देखो यहां पर 10th प्लेस कोई भी टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन में जो 10th प्लेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है कि दिस ए बी मीन्स कोई भी ये टू डिजिट नंबर है जैसा 23 या फिर 27, तो इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसके अंदर ये जो दो नंबर्स है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यूनिट प्लेस एड अप टू 10 मीन्स यूनिट प्लेस का एड अप या फिर सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जैसा बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। चलो फर्स्ट एग्जांपल हम करके देखेंगे और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टन कंडीशंस है वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे हम, 23 × 27। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारा 10th प्लेस है वो क्या है, 2 है, इसका मतलब सेम है। और यूनिट प्लेस का एडअप कितना हो रहा है, 10। 3 + 7 = 10। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज 3 × 7 21, और 2 के बाद, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। तो 3 × 5 = 6, सो आंसर इज 6 = 21। चलो हम और दूसरा एग्जांपल लेके चलेंगे, 34 × 36। ठीक है, देखिए हम क्या किया है, यहाँ पे 10th प्लेस मस्ट बी सेम मीन्स यहाँ पे दो जो 10th प्लेस है वो सेम है, 3 है, और यूनिट प्लेस का एडअप कितना है, 10 है। तो यहां पर भी ये जो हमारी ट्रिक है, सेकंड ट्रिक है, वो इम्प्लीमेंट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, 6 × 4 = 24। 3 के बाद में कौन सा नंबर आता है, जैसा हमारे नंबर लाइन पे 4 आता है, तो 3 × 4 = 12, सो आंसर इज 1224। ये भी बहुत सिंपल है। चलो धीरे और ग्रेजुअली हम डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते चलेंगे, दिस इज 45 × 45। अगेन हमने फर्स्ट वीडियो में यही क्वेश्चन डाला था, 99 × 99, सो दिस इज नथिंग बट 45² यस। तो देखो 45, तो इन दोनों का एडअप कितना हो रहा है, 10, और ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। इसका मतलब ये ट्रिक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 5 × 5 = 25, और 4 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 5, सो 4 × 5 = 20, सो आंसर इज 2025। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के तरफ, ये क्या है, 56 × 54। देखो हमारा क्या है, 10th प्लेस मस्ट बी सेम, 5 है, और यूनिट प्लेस एडअप टू 10, इसका मतलब इन दोनों का एड भी 10 ही हो रहा है। यहां पर इसका मतलब हमारा जो ट्रिक नंबर 2 है वो अप्लाई होगी। सो 5 × 4 = 24, और 5 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 6 × 5 = 30, सो आंसर इज 3024। चलो हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दिस इज अगेन लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आसान है, ठीक है, हमारे पास में तो कोई भी चीज आसान हो जाती है। देखो यूनिट प्लेस मस्ट बी, जो हमारा यूनिट प्लेस है उनका एडअप होना चाहिए 10, तो यहां पर 10 हो रहा है, और 6 इसका मतलब यहां पर 10th प्लेस सेम है। सो 7 × 3 = 21, और 6 के बाद में नंबर आता है 7, 7 × 6 = 42, आंसर इज 4221। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलेंगे, यह है 78 × 72। 77 सेम है और 8 + 2 = 10 होता है, इसका मतलब ये ट्रिक यहां पर इम्प्लीमेंट होगी। सो 8 × 2 = 16, और 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 8, 7 × 8 = 56, सो आंसर इज 5616। चलो 7th ट्रिक के तरफ चलते, 7th एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत आसान है।
92 × 98, 8 × 2 = 16, और 9 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 10 नंबर आता है, तो 10 × 9 = 90, सो आंसर इज 9016। चलो और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 लेके चलेंगे, ठीक है। सो 104 × 106, ठीक है। तो इनका देखो ये दोनों नंबर सेम है 10 10, और इनका जो एड अप है वो भी 10 हो रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रिक है यहां पर इंप्लीमेंट होगी। सो 6 4 = 24, और 10 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 11, सो 11 10 = 110, सो आंसर इज 11024। चलो हम और एक एग्जांपल लेके चलेंगे, एग्जांपल नंबर 9th, 118 × 112, ठीक है। तो ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत आसान है, 8 × 2 = 16 और 11 × 12, इसका आंसर आता है 132, सो आंसर इज 13216। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैक्सिमम शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमें लिखकर भेज सकते हो। थैंक यू।